अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों के दर पे हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं वो वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज है 31 दिसंबर 2023, साल का आखिरी दिन, और जनाब चंद घंटों बाद जो है वो हम 2024 में दाखिल हो जाएंगे। 2023 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अब से कुछ 6 7 8 घंटे बाद 2023 से हम 2024 में दाखिल हो जाएंगे। 1 जनवरी 2024 में दाखिल हो जाएंगे। 2023 हमारा गुजरा, क्या खोया क्या पाया हमने। हमारा चूंकि चैनल बेसिकली जो चैनल है, चैनल हमारा जो है वो सेविंग से रिलेटेड है, चाहे वो सेविंग हमें नेशनल सेविंग वाले ज़्यादा दें या प्राइवेट बैंक वाले ज़्यादा दें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना है, ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, अपने पैसों को बढ़ाना है थ्रू बैंक्स। ठीक है, ये चैनल का मेन मकसद है, यही मैनिफेस्ट है चैनल का कि हम अपनी इनकम को, मेरी इनकम हो, आपकी इनकम हो, मैं भी आपकी तरह इन्वेस्टर हूँ, मैं भी बैंकों में इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे जो 2 लाख है वो किसी तरह जल्द अज जल्द वो 2 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए और लीगल हो, इलीगल ना हो, मतलब किसी नाजायज तरीके से वो ना हो, जायज तरीके से जो है वो पैसे बढ़ते जाए और इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाए। ठीक है, तो चैनल बनाने का हमारा मेन मकसद यही है, और यही वजह है कि जनाब आपके तमाम कमेंट्स का भी हम जवाब देते हैं, चाहे कमेंट्स अच्छे हैं बुरे हैं, अच्छे तो बहुत अच्छी बात है, हमारी नॉलेज में इजाफा होता है, जो बुरे कमेंट्स होते हैं हम इसको इग्नोर करने का करते कोशिश करते हैं। बहरहाल वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो का जो आज का जो आज की जो हमारी वीडियो है, जिस तरह आपको थंबनेल से आइडिया हुआ होगा कि 2023 में कौन से ऐसे बैंक हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया। टोटल टोटल 23 बैंक है जनाब, सॉरी 33 बैंक है जो पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, और 11 आपका जो है वो है माइक्रो फाइनेंस बैंक। तो 33 और 11 तकरीबन 44 बैंक्स हो गए जनाब। इसके अलावा भी और इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, लेकिन चूंकि हमारा चैनल का ताल्लुक खुद से नहीं है तो हम उसके बारे में डिटेल्स की बात नहीं करेंगे। तो जनाब 2023 में कौन से बैंक थे जिन्होंने सबसे ज्यादा आवाम को प्रॉफिट दिया, आज हम उसकी बात करेंगे। और दूसरा है कि 2024 में कौन से बैंक ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, या उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है या अनऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं कि 2024 में उनका प्रॉफिट रेट बढ़ेगा। तो जनाब 2023 में का भी डिस्कशन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी मुख्तलिफ बैंकों पे पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं और वो समझ रहे हैं कि उनका वही बैंक सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, जबकि जब डिटेल्स हमारे पास, कुछ हमें स्टेट बैंक से इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ हमने अलहदा वर्क किया, कुछ हमें बैंकों से इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ दोस्तों से मिली, तो पूरा एक चार्ट हमने तैयार किया जिसके मुताबिक पॉसिबल है कि जिस बैंक से आपने पैसे, जिस बैंक से आप प्रॉफिट ले रहे हैं वही बैंक नंबर वन हो, और ये भी पॉसिबल है कि शायद वो 10वें नंबर पे ना हो, उससे ज़्यादा दूसरे बैंकों ने 2023 में प्रॉफिट दिए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, और सबसे बड़ी बात है कि 2023 तो चला गया, अब फ्यूचर की बात करें 2024, तो 2024 में कौन से वो बैंक होंगे जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाली बात है, बहुत ज़्यादा सीरियस वीडियो, सीरियस इसलिए कहूँगा कि जब सबसे सबसे इंसान की ज़िंदगी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, फैमिली के बाद फाइनेंशियल इश्यूज है, क्योंकि जब जिसके साथ फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं वो फैमिली को भी सही मैनेज नहीं कर पाता, ना उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बल्कि पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल ये फाइनेंशियल इश्यूज जो है बहुत सीरियस इशू है, तो अब हम इस पर बात करेंगे कि 23 तो गुजर गया लेकिन 23 में हमने क्या खोया और 24 में क्या पा सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको जरूर देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। बहरहाल चलते हैं कि वो कौन से बैंक थे जिन्होंने सबसे ज्यादा 2023 में प्रॉफिट दिया। ठीक है, इनमें से ही कुछ ऐसे बैंक हैं जो 2024 में भी सबसे ज्यादा प्रॉफिट देंगे, और इनमें से कुछ ऐसे बैंक होंगे जो 2024 में इतने ज्यादा प्रॉफिट नहीं देंगे। तो हम दोनों की बात करेंगे जनाब, वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2023 की बात करते हैं पहले, जो गुजर गया 2023 में सबसे नंबर वन पे आता है वो बैंक जिसने सबसे ज्यादा आवाम को प्रॉफिट दिया है, चाहे वो सेविंग सर्टिफिकेट हो या फिर सेविंग अकाउंट हो। ठीक है, करंट अकाउंट पे तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, तो उसकी बात करनी तो फजूली है। तो जनाब नंबर वन पर जो इस वक्त बैंक है, नंबर वन पे जो बैंक है जिन्होंने 2023 में सबसे ज्यादा अपने कस्टमर को प्रॉफिट दिया है, वो है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक।
कस्टमर कम थे या ज्यादा थे, ये लोगों ने एंड पे खबर फैलने के बाद जो है वो पैसे निकाले, लेकिन यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो नंबर वन था जिसने सबसे ज्यादा आवाम को उनके अकाउंट पर टर्म डिपॉजिट पे जो है वो प्रॉफिट दिया है। समर टर्म डिपॉजिट पे उन्होंने सब यू माइक्रो फाइनेंस पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2023 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया, और एवरेज जो है वो उन्होंने यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने एवरेज 22.50 के हिसाब से प्रॉफिट दिया है समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट में। तो जनाब माइक्रो फाइनेंस बैंक, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक या नेशनल सेविंग को पीछे छोड़ चुका है, ठीक है। दूसरे नंबर पे भी जो बैंक आता है वो भी है जनाब माइक्रो फाइनेंस बैंक है, वो है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस में भी तकरीबन 22% या 22.5% के हिसाब से 2023 में अपने कस्टमर को प्रॉफिट दिया है, और खुशहाली टर्म डिपॉजिट और खुशहाली इसी टाइप के इनकी एक प्रोडक्ट है जिसमें उन्होंने प्रोडक्ट अभी मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा, यूफोन का तो समर टर्म डिपॉजिट है, उनका खुशहाली करके कुछ है सरमाया स्कीम इस टाइप का है, उसमें उन्होंने तकरीबन पूरे साल में 22.22 और 22.50 के हिसाब से प्रॉफिट दिया टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट में, TDR बुक जिन लोगों ने करवाया था, यू ने भी TDR पे दिया था और खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक ने भी TDR पे दिया है। जनाब टोटल पाकिस्तान में इस वक्त 11 माइक्रो फाइनेंस बैंक है जिसमें ये दो बहुत टॉप पर हैं, और ऐसे टॉप पर हैं कि ये दोनों माइक्रो फाइनेंस बैंक ने प्राइवेट बैंकों को और नेशनल सेविंग को भी पीछे छोड़ दिया। बहरहाल ये दो बैंक हो सकता है 2024 में भी अच्छा प्रॉफिट दे, या हो सकता है कि टॉप 5 के लिस्ट में ही ना हो। बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा तीसरे नंबर पर, तीसरा नंबर कह लें या फिर पहला नंबर कह लें, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट बैंकों की और नेशनल सेविंग वालों की, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक से हम बाहर आ गए। माइक्रो फाइनेंस बैंक में जो एक सबसे बड़ा मसला है कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, हर बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। हम भी आपको ये सजेशन ये देते हैं कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आप अगर माइक्रो फाइनेंस बैंक में 5 से 10% तक इन्वेस्टमेंट करें, मतलब 1 करोड़ से 5 से 10 लाख रुपए माइक्रो फाइनेंस बैंक में रखें, इससे ज़्यादा ना रखें, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, हमारा सजेशन है आपको एक्सेप्ट करना है करें, ना करना ना करें, आपकी अपनी मर्जी। बहरहाल आते तीसरे नंबर पे जो बैंक है जिसने 2023 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है वो है जनाब हबी बैंक लिमिटेड, HBL, ठीक है। और HBL ने जो है ये भी कह सकते हैं कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट को मिला के HBL ने जो है वो बैंकों से ज्यादा, मतलब ड्रू माइक्रो फाइनेंस बैंक या खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक से भी ज्यादा प्रॉफिट दिया, अगर कंपाउंड प्रॉफिट को जिसको जिसको हबी बैंक जो है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहता है उसको मिलाकर जो है वो हबी बैंक ने जो है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक से भी ज्यादा प्रॉफिट दिया है। हबी बैंक ने एवरेज 20.50 के हिसाब से प्रॉफिट दिया है 2023 में, और कंपाउंड प्रॉफिट को मिला लिया है या इफेक्टिव इंटरेस्ट जिसको वो कहते हैं तकरीबन 22.50 के हिसाब से प्रॉफिट दिया है, ठीक है, सेविंग अकाउंट पर और TDR पे। तो जनाब HBL जो है हबी बैंक लिमिटेड हमारे पास जो है इस वक्त लिस्ट में जो है वो तीसरे नंबर पर है, और अगर आप माइक्रो फाइनेंस बैंक को निकाल दिया जाए कि माइक्रो फाइनेंस की बात ना करें तो हबी बैंक पहले नंबर पर है, लिस्ट पे हमने इसको तीसरे नंबर पे रखा है। जनाब तीसरे ही नंबर पे जो हमारे पास बैंक है, या चले चौथा नंबर कर लें, जो तीसरे नंबर या चौथे नंबर पे जो जो आता है उसका नाम है जनाब नेशनल सेविंग सेंटर। नेशनल सेविंग सेंटर में जो है तीसरे नंबर पे ही मैं कहूँगा, चौथा नंबर मैंने HBL को दिया, तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो है जनाब नेशनल सेविंग सेंटर। नेशनल सेविंग सेंटर ने अपने कुछ प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रॉफिट दिया है। नेशनल सेविंग इससे पहले माजी में करता रहा, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता था जिनकी वो प्रोडक्ट वो होती थी जनाब आपका बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, बहबूद हो, पेंशनर हो या फिर शौदा फैमिली हो, सारे बहबूद का हिस्सा है, तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट माजी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता था। और उसके बाद दूसरे नंबर पर लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में कहते थे, लेकिन ये माजी की बात थी, 2023 में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहबूद ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया। नेशनल सेविंग तीसरे नंबर पे जनाब जिसने 2023 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया, और उसकी जो प्रोडक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रॉफिट दिया है वो सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट है, ठीक है, सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, इसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है 2023
23 नेशनल सेविंग दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर हबीब बैंक लिमिटेड। हबीब बैंक लिमिटेड की जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो जनाब नेशनल सेविंग में तकरीबन 22% के हिसाब से जो है वो प्रॉफिट दिया है, 21.50 से लेकर 22% तक। तो तकरीबन मैं कह सकता हूँ 22% इसको राउंड अप करते हैं तो 22% के हिसाब से अपने कुछ प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट दिया है। उन प्रोडक्ट्स में है सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट या सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट, ये सब इन प्रोडक्ट्स पे, खासतौर पर सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट जो एक साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें जो तकरीबन प्रॉफिट है वो 21 से 22%, 21.5 से 22% के दरमियान जो है वो नेशनल सेविंग में दिया। तो नेशनल सेविंग हमारे पास तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर हबीब बैंक लिमिटेड है जिसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद आ जाते हैं जनाब पांचवें नंबर पर हमारे पास मीज़ान बैंक लिमिटेड। मीज़ान बैंक जो है वो पाकिस्तान के कामयाब तरीन बैंकों में इसका शुमार होता है। फ्रॉम फर्स्ट डे से जो है मीज़ान बैंक लिमिटेड जो है वो इस्लामिक बैंक है। इसमें कोई भी जो है वो आप सूद जिसको कहते हैं सूद पे काम नहीं कर सकते, इनके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का पहला इस्लामिक बैंक है, पाकिस्तान का सबसे कामयाब तरीन इस्लामिक बैंक है, और ये दिन ब दिन जिस तरह तरक्की कर रहा है तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मीज़ान बैंक जो है वो तमाम बैंकों को पीछे छोड़ दे, चाहे वो कन्वेंशनल बैंक हो या इस्लामिक बैंक हो। लिस्ट में ये जनाब हमारे पास मीज़ान बैंक जो है वो है पाँचवें नंबर पर, और मीज़ान बैंक में एवरेज पूरे साल में जो है 21% के हिसाब से जो है वो प्रॉफिट दिया है। और ये जो प्रॉफिट सर्टिफिकेट का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, सीनियर सिटीजन के लिए अवार्ड होता है ये सर्टिफिकेट इस्लामिक इन्वेस्टमेंट। इस पे जनाब इन्होंने तकरीबन 21% के हिसाब से अपने सार्फिन को प्रॉफिट दिया है 2023 के दरमियान। तो जनाब पांचवें नंबर पे है हमारे पास मीज़ान बैंक है। और एकदम एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ कि मीज़ान बैंक का कोई भरोसा नहीं है कि 2024 में जो है ये और बहुत ज़्यादा आगे निकल जाए। इस्लामिक बैंकिंग है तो जनाब मीज़ान बैंक तो वैसे ही आप लोग जानते हैं, हर तकबर जो भी बंदा जिसके पास थोड़ा बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है वो एक अकाउंट अपना तमाम बैंकों के साथ एक अकाउंट मीज़ान में ज़रूर रखता है, तो उसको पता है किसी टाइप की भी कोई भी ज़रूरत पेश आ सकती है। तो जनाब मीज़ान बैंक हमारे पास लिस्ट में पाँचवें नंबर पर है जिसने 21% के हिसाब से प्रॉफिट दिया है। सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट सीनियर सिटीजन के अकाउंट है इस अकाउंट पर, ठीक है। वैसे 17-18% उसकी जो सेविंग अकाउंट है ये आसान सेविंग अकाउंट है, इन अकाउंट पे तकरीबन 17 से 18% तक सालाना प्रॉफिट दिया है, तो ये 17-18% भी कुछ कम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जनाब, नेक्स्ट हमारे पास जो बैंक है वो UBL है। UBL जनाब हमारे पास लिस्ट में छठे नंबर पे, UBL ने तकरीबन 20.50 से 20.75% तक अपने TDR और सेविंग अकाउंट पर प्रॉफिट दिया है, ठीक है जनाब। तो बात कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट है UBL के बाद हमारे पास नेक्स्ट है जनाब मुस्लिम कमर्शियल बैंक। मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने तकरीबन अपने तकरीबन प्रोडक्ट्स पे चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या फिर TDR उसमें 20.50% के हिसाब से प्रॉफिट दिया है। और MCB का एक मसला ये भी कि इसके प्रॉफिट रेट बहुत कम हुआ करता था 500, 600, 700 के दरमियान, लेकिन 2023 में इसने अपने प्रॉफिट के हवाले से अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, और अचानक से ये 600-700 प्रोडक्ट्स प्रॉफिट से उठाकर उन्होंने 20.50 तक में 15-16-17-18 में अपने प्रॉफिट को ले गए, जिसकी वजह से MCB पे का बहुत अच्छा एक्सपोजर आया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जनाब, नेक्स्ट बैंक है हमारे पास लिस्ट में आठवें नंबर पे, और ये लिस्ट हमने आठवें नंबर पे ख़त्म कर दिए। उसके बाद जो दूसरे बैंक थे वो जनाब 19-20 का भी फ़र्क नहीं था, तो फिर हमें पूरे 33 बैंक्स को बहुत सारे बैंक्स को और ऐड करना पड़ता, बहुत लंबी लिस्ट बहुत लंबी वीडियो हो जाती, आप लोग भी परेशान हो जाते। तो जनाब आठवें नंबर पे हमारे पास जो बैंक है वो है बैंक अल्फा लिमिटेड। बैंक अल्फा लिमिटेड ने तकरीबन 20.50 से लेके 21% तक, क्योंकि इनके कुछ सेविंग अकाउंट है, कुछ ऑनलाइन अकाउंट है जिसपे उन्होंने ऑनलाइन से मुराद जो ऑनलाइन खुलवाते हैं डिजिटल अकाउंट उस पर ब्रावो करके कुछ उनका अकाउंट है बैंक अल्फला वालों का, उस पर तकरीबन 21-22% प्रॉफिट इन्होंने दिया है। तो एवरेज जो है एवरेज की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि
पूरे साल की बात करें तो एवरेज बैंक अल्फरा ने अपने कस्टमर को कुछ अकाउंट्स में तकरीबन पूरे साल जो है वो साल का जो प्रॉफिट है 20.50% के हिसाब से दिया है, जिसमें सेविंग अकाउंट TDR भी शामिल है। अच्छा, ये सारी डिटेल्स हमने दी है 2023 की है आप लोगों से बयान, जिसमें बहुत तेजी से जो इम्प्रूव जिन बैंकों ने किया उसमें HBL है और MCB है, UBL है, ठीक है। ये बैंक वो थे जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देते थे 500 600 700, लेकिन ये अब जो है वो 20% 21% 22% पहुंच गए, मतलब 20,000 21,000 22,000 सालाना प्रॉफिट तक पहुंच गए हैं। अब चलते हैं मेन वीडियो के सबसे मेन हिस्से पे, और सबसे मेन हिस्सा है कि भाई वो कौन सा बैंक है जो 2024 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं। जनाब इनकी भी लिस्ट सुन लीजिए, और जनाब यह है कि अब ये बैंक जो है हमारे पास इंटरनेट भी इंफॉर्मेशन है और शायद अनाउंसमेंट भी होती रहे कि हबीब बैंक लिमिटेड HBL, HBL वो बैंक है जनाब जो 2023 2024 में जो है वो तकरीबन अपने आप कस्टमर को प्रॉफिट देगा, 22 से 23% तक इनका प्रॉफिट रेट होगा सालाना HBL का। हबीब बैंक लिमिटेड पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, पाकिस्तान का सबसे कामयाब बैंक, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ब्रांचेज जिसकी, पाकिस्तान का सबसे पुराना बैंक। तो जनाब HBL जो है हमारी लिस्ट के मुताबिक नंबर 1 पर है, जो तकरीबन 23% तक आपको अपने प्रोडक्ट में प्रॉफिट देने वाला है 2024 में। और दो तीन अकाउंट भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस पे आप लोगों जिन पे नज़र रखना है, हबीब बैंक की एक हो गया डेली मुनाफा अकाउंट, एक हो गया महाना मुनाफा अकाउंट HBL की बात कर रहा हूँ, और एक नीसा सेविंग अकाउंट जो लेडीज वो वीमेंस अकाउंट होता है, इन तीन अकाउंट पे आपने नज़र रखना है। वैसे मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम इन पे वीडियोस बनाकर अपडेट करता रहूँगा। हबीब बैंक हो गया, दूसरे बैंक हो गए जिनके 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 भी सेविंग अकाउंट जिनका प्रॉफिट रेट अच्छा है, जिनमें मुझे या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं सबकी डिटेल आप लोगों को टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, ठीक है। तो HBL नंबर 1 पे इस वक्त, जो 2024 में तकरीबन 23% तक अपने प्रॉफिट को ले जाएगा, कंपाउंड प्रॉफिट वगैरह मिलाकर जो 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 सिचुएशन बनी, ठीक है। बहरहाल HBL नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पे जनाब UBL बैंक है, ये भी तकरीबन 2024 में अपने प्रॉफिट को बढ़ाने में का सोच रहा है कि इसको मजीद इंक्रीज करेगा, और तकरीबन तकरीबन जो है वो UBL जो है अपने जो मुनाफा है जो कस्टमर को देगा UBL, उसको UBL कोशिश ये कर रहा है कि जनाब इसको जो है वो 22% तक जो है वो 22% तक जो है वो इनको पहुंचा दे। UBL हमारे पास दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर की बात कर ले तो जनाब नेशनल सेविंग सेंटर NSC, नेशनल सेविंग सेंटर जो है वो भी तकरीबन 22% तक अपने कुछ जो है प्रोडक्शन में 22% तक प्रॉफिट ले जाएगा 2024 में। अब वो कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो कन्वेंशनल तो शायद थोड़े मुश्किल है, शायद अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ऊपर आ गया तो और बात है, लेकिन इस्लामिक प्रोडक्ट है, सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट हो या सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट हो, इस्लामिक प्रोडक्ट में जो है वो मैक्सिमम चांसेस है कि जो है इसका प्रॉफिट रेट 22% जाएगा। तो इसको HBL के बाद आप दूसरा नंबर भी दे सकते हैं नेशनल सेविंग सेंटर को, या फिर जो है आप इसको जो है वो तीसरे नंबर भी दे सकते हैं। मेरे लिहाज से दूसरे नंबर पे होना चाहिए, इसको दूसरे नंबर काउंट करते हैं NSE को, नेशनल सेविंग सेंटर को, जिसका प्रॉफिट रेट 22% तक जाएगा। तीसरे नंबर पे जो भी एल है, चौथे नंबर पे जो बैंक है जनाब उसका नाम है मिजान बैंक लिमिटेड। मिजान बैंक ने अभी भी जो है वो अपनी एक प्रोडक्ट पर 21% तक सालाना मुनाफा दिया है जनाब, उस प्रोडक्ट का नाम था सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट सीनियर सिटीजन। तो जनाब इस वक्त भी जो लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट के मुताबिक जो है वो तकरीबन 22% तक जो है मिजान बैंक लिमिटेड जो है अपने 2024 का प्रॉफिट ले जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जनाब बैंक अल्फला का, तो बैंक अल्फला भी तकरीबन 21 से 22% तक जो है वो 2024 में जो है वो अपने कस्टमर को प्रॉफिट देगा। और सबसे मज़े की बात ये है जनाब, जो सबसे वो बात है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा कि 2024 में टॉप करेगा, कि वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। अगर 2-4 महीने बाद, मतलब अब जो महीना शुरू हुआ जनवरी, इसके 2-4 महीने के बाद अगर कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक ऊपर आता है और वो अपने कस्टमर को ज़्यादा प्रॉफिट देता है तो और बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्रॉम जनवरी 2024, जनवरी 2024 से जो है हमारे पास जितने बैंक हैं उसमें कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है, क्योंकि कुछ माइक्रो फाइनेंस बैंक ने 2023 में जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया है
इतना उनको देना नहीं चाहता, और जिसकी वजह से वो काफी लॉस में है, या फिर उनको प्रॉफिट नहीं हुआ और काफी कंफ्यूज है। तो बहरहाल माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है 2024 में हमें कहीं नहीं दिखता कि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा। 2024 में जो जो बैंक सबसे ज्यादा प्रॉफिट देंगे उसमें एक नेशनल सेविंग आता है यानी कौमी बचत इदारा, और प्राइवेट बैंक दिखता है जिसमें एक नंबर वन पे एच हबी बैंक है, यूबीएल है, अमेजान बैंक है, और बैंक अल्फा है। बैंक अल्फा भी तकरीबन 22% तक चांसेस है 2024 में आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, ये जितने भी बैंक है, चाहे नेशनल सेविंग हो या एचबीएल हो, यूबीएल हो, अमेजान बैंक हो या फिर बैंक अल्फा हो, इनके आपको सेविंग अकाउंट्स पर और टीडीआर पे नजर रखना है, या हमारे चैनल को देखते रहना है। जो भी चेंजेस जैसे भी होती है, हम डेली बेसिस में तमाम कनेक्टेड रहते हैं मुख्तलिफ बैंकों से, और इसके अलावा इनकी वेबसाइट पे हमारी बहुत गहरी नज़रें होती हैं। जैसे भी कोई अपडेट हमें मिलती है, आपको अपडेट करेंगे, और साथ ही साथ आपको अप टू डेट भी रहना है जनाब, ये 2024 में क्या होने वाला है। 2023 में जो हुआ अच्छा ही हुआ, बुरा नहीं हुआ, लेकिन 2024 को हमें और बेहतर बनाना है, क्योंकि हमारा मेन मकसद, मेरा और आपका क्या है, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है सेफ साइड को रखते हुए। बैंक से हम क्यों पैसे रखते हैं, ताकि हमारे पैसे जो है वो सेफ हैंड में रहे। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि 2024 में भी हमने यही कोशिश करने के करनी है जनाब, कि हमें किस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, इसको आगे लेके जाना है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जब आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।